आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम AWS की मदद से हाई कॉन्फ़िगरेशन का VPS कैसे बनाएंगे। साथ में हम ये भी सीखेंगे किस तरीके से हम अपने वर्चुअल मशीन को अपने मनपसंद का लोकेशन में कैसे होस्ट करेंगे। अगर आपके पास AWS का फ्री ट्रायल अकाउंट है या फिर कोई भी अकाउंट है तो आप उससे भी हाई कॉन्फ़िगरेशन का VPS बना सकते हो। तो सबसे पहला काम, अगर आपको अपने मनपसंद का लोकेशन में अपना वर्चुअल मशीन को होस्ट करना है तो आप यहाँ पर आकर सबसे पहले लोकेशन को सेलेक्ट करोगे, आप किस लोकेशन में अपना वर्चुअल मशीन को होस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी लोकेशन दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी लोकेशन में अपना वर्चुअल मशीन को होस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अपना वर्चुअल मशीन को होस्ट करना है मुंबई लोकेशन में, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मुंबई। कुछ इस तरीके से आपका ब्राउज़र रिफ्रेश होगा। अब आप जो भी अपना वर्चुअल मशीन बनाओगे तो सारा वर्चुअल मशीन होस्ट होगा मुंबई लोकेशन में और आपको मुंबई लोकेशन का IP एड्रेस मिलेगा। इसी तरीके से अपने हिसाब से आपको जो भी लोकेशन चूज़ करना है यहाँ पर आकर चूज़ कर लीजिएगा। उस हिसाब से आपको उस कंट्री का IP मिलेगा आपका वर्चुअल मशीन का, यानी कि आपका VPS का। अब हम सीखते हैं किस तरीके से हम अपना हाई कॉन्फ़िगरेशन का VPS कैसे बनाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करोगे लॉन्च इंस्टेंस, तो आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। फिर आप यहाँ पर अपना वेब सर्वर का नेम टाइप करोगे, आप किस नेम से अपना वर्चुअल मशीन को होस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम रखते हैं डेमो, आप अपने हिसाब से कोई भी नेम टाइप कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर करोगे नीचे स्क्रॉल और यहाँ पर सेलेक्ट करोगे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके अपना वर्चुअल मशीन बनाना है। जैसे कि यहाँ पे है अमेजन लिनक्स, macOS, Ubuntu, विंडोज़, रेड हैट। इसी तरीके से आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे। जैसे कि मैं अभी बनाने वाला हूँ विंडोज़ कंप्यूटर, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे विंडोज़ में, तो यह कुछ इस तरीके से हो जाएंगे सेलेक्ट। फिर यहाँ पर हम चूज़ करेंगे हम किस वर्ज़न में अपना वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करना चाहते हैं। जैसे कि ये 2025 वाला वर्जन है, ये कौन सा OS है, यह है माइक्रोसॉफ्ट का डाटा सेंटर OS। जैसे कि ये 2025 वाला कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है, इससे पहले क्या था 2022 वाला। तो हम यहाँ पर आज हम डिप्लॉय करने वाले हैं 2025 वाला वर्जन, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे सेलेक्ट। फिर करोगे नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से, अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख जाएगा वेरिएंट, जैसे कि 1.5 GB RAM, 1 GB RAM। इसी तरीके से अगर आप नीचे करते जाओगे तो आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन का वर्चुअल मशीन दिखते जाएगा, जैसे कि 32 GB 16 कोर। लेकिन अगर आपका फ्री ट्रायल अकाउंट है तो आपको मैक्सिमम 4 कोर और 8 कोर के साथ ही जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बनाओगे तो आपका अकाउंट बहुत ही जल्द सस्पेंड हो जाएंगे, अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते हो तो। अगर आप बिल पेमेंट करते हो इसका, जो बिल जनरेट होंगे, तो आपका अकाउंट कंटिन्यू चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर अलग अलग वेरिएंट बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो आपको ढेरों मिल जाएंगे वेरिएंट। लेकिन हम यहाँ पर अभी जो बनाने वाले हैं वो बनाएंगे 64 GB RAM वाला, आपको दिखाने के लिए। तो हम यहाँ पर आने के बाद करते हैं नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हम सेट करेंगे कौन सा 64 GB वाला वेरिएंट। उसके लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट टाइप करोगे या फिर आप मैनुअली भी फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर मुझे जो वेरिएंट मिलेंगे इसमें होंगे सारे 64 GB RAM का, जैसे कि ये वाला क्या है 64 GB RAM 8 virtual CPUs। अगर आप 64 GB के साथ जाते हो तो आपको फ्री ट्रायल अकाउंट के साथ मैक्सिमम 8 कोर के साथ ही जाना चाहिए, इससे आपका अकाउंट थोड़ा लंबा चलेंगे अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते हो तो। अगर आप बिल पेमेंट करते हो और आपको अपने अकाउंट को कंटिन्यू इस्तेमाल करना है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका अकाउंट चलते रहेंगे। तो हम यहाँ पर अभी आपको दिखाने वाले हैं इस वेरिएंट को बना के, हम इसको सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इसका इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना KPR रेडी करना होगा। ये क्यों ज़रूरी है अभी आप कुछ देर में जान जाओगे। तो अपना KPR रेडी करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू KPR। इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे कुछ भी नेम, एग्जाम्पल हम यहाँ पर टाइप करते हैं डेमो, और आप कुछ इस तरीके से ही इन सभी को रखोगे सेलेक्ट। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे क्रिएट KPR, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके हो जाएंगे डाउनलोड कंप्लीट। फिर करेंगे नीचे स्क्रॉल और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके हो जाएंगे सेलेक्ट, आपको सेलेक्ट रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर करोगे नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। इसके बाद इन दोनों को अलाउ कर दोगे अगर आपको चाहिए, या फिर इसको छोड़ सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है इतना। फिर करोगे नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से और यहाँ पर लोगे अपना SSD का साइज़, आखिर आप जो अपना वर्चुअल मशीन बनाओगे उसमें कितना SSD होंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं 99 GB, यह इनफ है। इसके बाद यहाँ पर लोगे टाइप, आपको किस टाइप का चाहिए SSD, हम यहाँ पर लेते हैं GP3। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से क्रिएट। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से, तो आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद
आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा पब्लिक आईपी एड्रेस, और इसी आईपी एड्रेस से आपका वर्चुअल मशीन कनेक्ट होंगे, और यहाँ पर है ये प्राइवेट आईपी एड्रेस, और आपका यहाँ पर हो जाएगा DNS। इसी तरीके से आपका वर्चुअल मशीन का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे और इसे कर लोगे कॉपी को जिस तरीके से, फिर अपना रिमोट डेस्कटॉप को ऑन कर लोगे, यानी कि इस एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से आपके केस में ये ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आईपी एड्रेस को करोगे पेस्ट और यहाँ पर क्लिक करोगे कनेक्ट में। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है अपना यूज़र नेम, फिर यहाँ पर टाइप करोगे पासवर्ड। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे कनेक्ट में, फिर आपको जिस तरीके से इस पेज में आ जाओगे और आप यहाँ पर क्लिक करोगे RDP क्लाइंट। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा यूज़र नेम, यूज़र नेम क्या है एडमिनिस्ट्रेटर, इसे करोगे कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर दोगे पेस्ट। इसके बाद हमें चाहिए पासवर्ड, उसके लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा गेट पासवर्ड, फिर आपको अपना की पेयर फाइल अपलोड करना होगा जो आपने डाउनलोड किया था, ये वाला फाइल को यहाँ पर क्लिक करोगे अपलोड प्राइवेट की फाइल, फिर अपने डिवाइस से फाइल को कर लोगे सेलेक्ट। इसके बाद यहाँ पे इसे करोगे ओपन, तो ये हो जाएंगे कुछ इस तरीके से अपलोड। फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे डिक्रिप्ट पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से पासवर्ड मिल जाएगा, इसे करोगे कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट। इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है, अगर आप इसे चेक मार्क करते हो तो इसे क्या बेनिफिट होगा, जब भी आप अपना वर्चुअल मशीन को दोबारा कनेक्ट करोगे तो आपको ना ही यूज़र नेम टाइप करना होगा और ना ही पासवर्ड टाइप करना होगा, आपका वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिक हो जाएगा कनेक्ट। ये आपको मैं कुछ देर बाद करके दिखाने वाला हूँ ये किस तरीके से वर्क करेगा। फिर आप यहाँ पर इसे कर दोगे ओके, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से कनेक्ट। इसके बाद अगर यहाँ पर इसे करते हो चेक मार्क, इससे क्या बेनिफिट होगा, नेक्स्ट टाइम ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपका RDP डायरेक्ट हो जाएगा कनेक्ट। इसके बाद यहाँ पर इसे करोगे यस, फर्स्ट टाइम आपका वर्चुअल मशीन कुछ इस तरीके से खुलेगा, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडोज 11 नहीं है, ये वाला वर्जन डाटा सेंटर 2025 वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ देर में। यहाँ पर आने के बाद हम जाएंगे कहाँ पर, सर्वर मैनेजर में। इसके बाद इसे करोगे कट, फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे लोकल सर्वर में, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन दिख जाएगा, ये कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2025 डाटा सेंटर। इसके अलावा यहाँ पर दिखेगा आपको प्रोसेसर कौन सा है, इसका क्लॉक स्पीड कितना है, और यहाँ पर कितना जीबी रैम है और कितना SSD है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन। साथ में आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर आओगे और यहाँ पर सर्च करोगे टास्क मैनेजर, जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे टास्क तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा टास्क मैनेजर। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर दिख जाएगा आपको प्रोसेसर का बेस स्पीड 2.90 GHz, साथ में यहाँ पर रहेगा मेमोरी यानी कि आपका रैम, इसके अलावा यहाँ पर रहेगा आपका इथरनेट का कनेक्शन, और यहाँ पर यह है प्राइवेट आईपी एड्रेस, इस आईपी एड्रेस के थ्रू यहाँ पर इथरनेट का कनेक्शन लगा हुआ है। अपना इथरनेट कनेक्शन का स्पीड देखने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, फिर आप सेटिंग में क्लिक करोगे, इसके बाद आप इस पेज में आ जाओगे और यहाँ पर क्लिक करोगे नेटवर्क एंड इंटरनेट, फिर यहाँ पर क्लिक करोगे इथरनेट, तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको कितना GPS का इथरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, या कितना है 5 GPS के आसपास। अब चेक कर लेते हैं हमें यहाँ पर कितना नेट स्पीड देखने को मिल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र को ऑन कर लेंगे, क्योंकि हमें डिफ़ॉल्ट में यही ब्राउज़र मिलेगा जब हम फर्स्ट टाइम अपना वर्चुअल मशीन बनाएंगे, हमें इसको करना है ऑन। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे स्टार्ट विदाउट योर डाटा, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे 7 कंटिन्यू, फिर यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट दिस डाटा, इसके बाद कन्फर्म एंड स्टार्ट ब्राउजिंग, तो आपका ब्राउज़र कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। अब अपना नेट स्पीड टेस्ट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर आकर सर्च करोगे नेट स्पीड टेस्ट और लास्ट में लगाओगे गूगल फाइबर। गूगल फाइबर में क्यों हमें टेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सर्वर लिस्टेड है वो ज़्यादातर सर्वर फास्ट है। अगर आप ओकला में टेस्ट करते हो यहाँ पर, तो इसका सर्वर इतना फास्ट नहीं है, आपको रियल इंटरनेट स्पीड देखने को नहीं मिलेगा इसमें। यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है, अगर हम किसी VPS का नेट स्पीड टेस्ट करते हैं तो हमें सर्वर का क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पर, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप VPS किसी से ख़रीदते हो और उसका आप नेट स्पीड देखना चाहते हो, तो आप किस तरीके से उसका नेट स्पीड देख सकते हो, एक्चुअली उसका नेट स्पीड कितना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मिल जाएगा मल्टीपल सर्वर, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सारे सर्वर हैं मल्टीपल। अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं टाटा पले फाइबर, अब जो हमारा VPS का इंटरनेट स्पीड टेस्ट होगा वो होगा टाटा पले फाइबर के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट किए हैं और हमारा डिवाइस का जितना भी डाटा इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे
तो वो जाएंगे इस सर्वर में, टाटा पाले फाइबर में, और साथ में हमें स्पीड देखने को मिलेगा कितना स्पीड में हमारे डिवाइस से डाटा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यही चीज़ आपको दिखता है बाद में, अपलोड स्पीड कितना है और डाउनलोड स्पीड कितना है। आप जिस सर्वर में टेस्ट करोगे वो सर्वर भी काफ़ी फास्ट होना चाहिए, तभी आपको दिखेगा सही स्पीड। अगर आप यहाँ पर जो सर्वर सेलेक्ट करोगे उसका स्पीड का क्षमता है 1 Gbps, अगर आपका वीपीएस का स्पीड का क्षमता है 5 Gbps, तो आपको स्पीड 1 Gbps ही देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पर स्पीड टेस्ट करते हो तो, इस हिसाब से वर्क होते हैं। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं कौन सा सर्वर, भारतीय एयरटेल बेंगलोर, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट है। जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे भारत AI तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा भारतीय एयरटेल, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कौन सा, भारतीय एयरटेल बेंगलोर, बेंगलोर कहाँ है यहाँ पर लिखा हुआ है बेंगलोर। इसी तरीके से अलग अलग सिटी के हिसाब से यहाँ पर सर्वर है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं भारतीय एयरटेल बेंगलोर, क्योंकि ये सर्वर काफ़ी फास्ट है और इसमें इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने से हमें सही स्पीड देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं गो में, यहाँ पर दिखेगा आपको पिंग और यहाँ पर इसका डाउनलोड स्पीड कितना है 3 Gbps+, और ये इसका अपलोड स्पीड ये भी कितना है 3 Gbps+, और ये पार हो चुका है 4 Gbps+ से। भारतीय एयरटेल बेंगलोर में स्पीड टेस्ट करने पर हमें इतना स्पीड देखने को मिला है। अगर हम इसी VPS का अदर सर्वर में अपना नेट स्पीड टेस्ट करते हैं तो हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं टाटा पले फाइबर और क्लिक करते हैं यहाँ पर अगेन में, अब देखते हैं यहाँ पर हमें कितना स्पीड देखने को मिला है, कितना है 5 Gbps+, जो कि काफ़ी फास्ट है। ये क्या है डाउनलोड स्पीड, इसका पिंग है 1, इसके बाद ये इसका अपलोड स्पीड 4 Gbps+, जो कि बहुत ही फास्ट है। तो आपने देखा सेम VPS का अलग अलग सर्वर में टेस्ट करने पर हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। अब हमें इसमें स्पीड इतना क्यों देखने को मिला है, क्योंकि हमारा जो VPS होस्टिंग है वो कहाँ पर है, मुंबई लोकेशन में। मैं आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं माई लोकेशन, फिर करते हैं नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से, और हम यहाँ पर क्लिक करते हैं माई लोकेशन में, तो हमारा यहाँ पर लोकेशन कौन सा है, मुंबई। वहीं अगर हम यहाँ पर आकर देखते हैं ये वाला सर्वर जहाँ पर लिस्टेड है, हमारा VPS सर्वर जहाँ होस्टिंग है उससे कितना दूरी पर है, 1 miles। अगर हम भारतीय एयरटेल बेंगलोर लेते हैं तो यहाँ पर बेंगलोर वाला सर्वर कितना दूर है मैं आपको दिखाता हूँ, 524 miles। इसलिए हमें यहाँ पर नेट स्पीड टेस्ट करने पर पिंग हमें ज़्यादा देखने को मिला है। आपका VPS जहाँ पर होस्टिंग होगा, अगर आपका लोकेशन बेंगलोर है, चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, और आप उसके आसपास का सर्वर में नेट स्पीड टेस्ट करोगे तो आपको सही नेट स्पीड देखने को मिलेगा। तो आप जान चुके हैं किस तरीके से आपको अपने VPS का नेट स्पीड टेस्ट करना है, साथ में आप ये भी जान चुके हैं किस तरीके से आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला VPS बनाओगे। जैसे कि हमने अपना वर्चुअल मशीन को कट कर दिया और आपको कहा था आप रिमेम्बर मी इसे कर दोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अब हम दोबारा इसे VPS को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कनेक्ट में। अब हमसे इस बार कुछ भी नहीं मांगेगा, ना पासवर्ड, ना यूज़र नेम, और ना ही हमें वो नोटिफिकेशन आएगा जब हम फर्स्ट टाइम इसे कनेक्ट कर रहे थे। अगर आप वो काम करोगे तो आपका डायरेक्ट VPS कनेक्ट हो जाएगा, आपको दोबारा कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख चुके हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं आप समझ चुके हैं। इसके बाद अगर आपको इस VPS को डिलीट करना है तो आप किस तरीके से डिलीट करोगे, हम जाते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड में, फिर यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे इंस्टेंस में, फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से, और आप इस पेज में आ जाओगे। अब हमें करना अपना VPS को डिलीट, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टेंस स्टेट, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे टर्मिनेट, और यहाँ पे क्लिक करेंगे टर्मिनेट, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा टर्मिनेट। आपको वेट करना होगा 5 से 10 मिनट, उतने टाइम में ये डिलीट हो जाते हैं। तो आप जान चुके हैं सारा चीज़ आपको किस तरीके से अपना VPS बनाना है हाई कॉन्फ़िगरेशन का। अगर आपके पास फ्री ट्रायल अकाउंट है तो उससे ये बना सकते हो, लेकिन अगर आप उसका बिल पेमेंट नहीं करते हो तो आपका अकाउंट हो जाएगा सस्पेंड। हो सकता है कि 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, हफ्ते दिन के अंदर हो, या फिर 1 से 2 महीने के बाद हो। जिस हिसाब से आपका बिल जनरेट होगा उस हिसाब से आपका पैनल पहले सस्पेंड होंगे। अगर आप यहाँ पर ईमानदारी से बिल पेमेंट करते हो और आप इसे कंटिन्यू इस्तेमाल करते हो तो आपका AWS का पैनल कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे और आपका VPS कंटिन्यू चलते रहेगा। इसके अलावा अगर आप हमारे इन सब मेथड में इंटरेस्टेड हो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर टाइप करोगे मेरे चैनल का नेम, कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा मेरा वेबसाइट। आप यहाँ पर आओगे, फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे और मेथड्स, तो आपको जिस तरीके से आपको मेथड देखने को मिल जाएगा। अगर आपको बहुत सारे वर्चुअल कार्ड की रिक्वायरमेंट है, वर्चुअल डेबिट कार्ड का, तो आप इस मेथड को बाय कर सकते हो, जो कि ये वर्चुअल कार्ड यहाँ पर एक्सेप्ट होते हैं। वहीं अगर आपको सीखना है किस तरीके से प्रॉक्सी बनाया जाता है,
AWS से, लिनोड से, वोल्टर से, साथ में डिजिटल ओशन से, इन सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म से किस तरीके से प्रॉक्सी बनाया जाता है, तो आप इस मेथड को बाय कर सकते हो। और ये मेथड यूनोडेस्क के लिए है, ये दोनों सेम है। हालांकि अगर आप ये मेथड बाय करते हो तो आपको एक अकाउंट मिलेगा, अगर आप इस मेथड को बाय करते हो तो आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो। अगर आप इनमें से किसी भी मेथड में इंटरेस्टेड हो तो आप इनको बाय कर सकते हो। या फिर अगर आपको VBS चाहिए ट्रेवल के लिए, बॉट होस्टिंग के लिए, या फिर किसी भी काम के लिए आपको VBS चाहिए, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं अगर आपको अकाउंट वगैरह खरीदना है तो वो भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको जिस भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।